ये देखे झुल्लू क्या करता है ये देखे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और हम जा रहे हैं वलीमे में। और जहाँ तक आपने शादी का जिन्होंने व्लॉग देखा होगा तो उनको पता है किसका वलीमा है, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर ज़रूर देखें। और वलीमा है दानियल के मामू के बेटे का, और हम जा रहे हैं वलीमे में। और शादी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म पे आ गई है क्योंकि आज वलीमा है, और वलीमे के साथ आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो व्लॉग को आपको एंड तक देखना है। और दूसरा ये कि जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और आज बहुत सारी इन्जॉयमेंट होने वाली है, सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। और फार्म हाउस पे जा रहे हैं, और फार्म हाउस की मॉर्निंग में क्या हुआ, क्या नाश्ता हुआ, वो भी आप देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं, और कवाली नाइट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और मेरी जो नन साहिब हैं वो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में चप्पलें थी, और वो बिल्कुल एंड टाइम में उनको याद आया कि मुझे स्लीपर चेंज करनी होंगी, तो उन्हें जल्दी जल्दी जो वो हाथ में स्लीपर उठाई और जल्दी से नीचे उतर गए क्योंकि घर जो है वो लॉक हो गया था। और लेट होने का थोड़ा यही होता है कि जल्दबाजी में जो इसी तरीके से होता है, क्योंकि मैंने तो खैर सारी चीज़ें सुबह ही करके रख ली थी क्योंकि मुझे पता था बच्चों के साथ एंड टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद नहीं रहता। तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही रख ली थी, बच्चों के खाने पीने की और अपने सारे और बच्चों के कपड़े। तो खैर हम वलीमा अटेंड कर लिया है, और यहाँ आप देख रहे होंगे फ्लैश लाइट से मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई क्योंकि लाइट्स बंद हो जाती हैं आजकल इतनी जल्दी हॉल्स के अंदर। तो मैंने ये ड्रेस जो है अपने देवर के वलीमे का पहना है, और बस यहाँ वलीमा अटेंड करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे फार्म हाउस, और फार्म हाउस पे करेंगे मस्ती फुल एंजॉय। और आपको फार्म हाउस का व्लॉग एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मज़े हैं, बहुत सारा फ़न है। और मेरे घर वाले तो सारे के सारे बहुत पहले ही फार्म हाउस पहुँच चुके थे क्योंकि फार्म हाउस तो हमने दोपहर से बुक कराया हुआ था, लेकिन वलीमा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था और वलीमे को मुझे अटेंड बहुत ज़रूरी करना था क्योंकि ससुराल में काफ़ी करीब के जो हैं वो मतलब तानिल के कज़न हैं और उनका था, तो हम छोड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ हम वलीमा अटेंड करके, और ऑलमोस्ट यहाँ 11:30 का टाइम है, और आज दानियल की बर्थडे भी है, और 12 बजे हम दानियल को सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन देने वाले हैं। और हम जो है दो गाड़ियों में थे, एक में मैं और मेरे हस्बैंड थे, और दूसरी गाड़ी में जो है मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने केक जो है वो ले लिया था। तो अभी हम सब वलीमे के ही कपड़े पहने हुए हैं, और अभी सब चेंज वगैरह कर लेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हॉल से जो है फार्म हाउस पहुँचे हैं। और सब खाने में इतना मगन हो गया कि खाने की वीडियो बनाना याद ही नहीं रही, तो फिर मैंने एंड में वीडियो थोड़ी सी बना ली क्योंकि वो बिल्कुल खाना एंड हो गया था और सब खा चुके थे। तो खैर खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, फ़िश थी, प्राउन्स थे, पाया कुन्ना था, और मटन का पुलाव था, सीख कबाब थे, एंड सारी चटनियाँ थी मज़ेदार सी, इंजीर का मीठा था एंड टिक्का आई लव। तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही खाया क्योंकि हम लोग वलीमे से ऑलरेडी खाना खा कर आए थे। और ये है कवाली नाइट का सेटअप। तो कवाली नाइट जो है वो 5-6 बजे तक सुबह चलती रही, और बहुत ज़्यादा फन और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई। और ये मेरी जो है भतीजी जो है वो केक लेके खड़ी हुई, और दानियल को कोई आइडिया नहीं है कि दानियल को हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। और केक जो है वो मेड टू ऑर्डर इतना अच्छा मिल गया, बहुत ज़बरदस्त था। और बस सेलिब्रेशन देखें कि कैसी सेलिब्रेशन हो रही है। Thank you.
और यहाँ मैं जो है वो दूध जो है वो गर्म करवाने आई हूँ, और दूध में बिस्किट डाल के हानिया को दूंगी। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा है दिल, अब प्यार तुम्हारा ना हो तू नहीं दिया, मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, कुर्बान जाऊं अपनी की बेटी की नाज पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। हाँ मैं तेरे अल्लाह अल्लाह कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा। हमने बहुत अच्छा शेर सही साहब, बहुत मुनियादी बात बोली। और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के कफन, आया है कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के सो टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने तालीम ये बचपन से ही दी है, करो खिदमत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। तो क्या कहता हूँ मैं, तुम तो ठहरे पर हमदान कहाँ चढ़ गए बेटे? जाओ सेन, नीचे फ्राइज बने, सब फ्राइज खा रहे हैं। नहीं खाने सही है। फार्महाउस से मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। सच सच
हेलो हमदान फ्राइज खा रहा है। पहले हमदान ने कुल्फी खाई और अब फ्राइज। तो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने मेरी अम्मी अब्बू को परफ्यूम दिया था जे डॉट का, और मेरे अम्मी अब्बू ने क्या दिया वो भी देखिएगा। बेटा ये एकदम ऊपर आएगी, मोबाइल को काट के। तो हम यहाँ आए हैं, ओफो फुल फ्लाइट वाली सर्दी हो रही है अल्लाह, और यहाँ लाइन भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ओह माय गॉड इतनी सर्दी, सुबह का टाइम है और यहाँ रोशनी हो गई है और रात को ये सारा सेटअप था और सर्दी हो गई है, बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आके एंजॉय किया जाए और सर्दी को मज़ा लिया जाए। वो इतना ज़बरदस्त इतना बड़ा पूल है लेकिन नहाने का नो 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 नो, कौन नहाएगा इतनी सर्दी में। और बाहर जो है वो एनिमल्स होते हैं, सुबह का टाइम है एनिमल्स देखते हैं चल के। ओ यहाँ सबकी गाड़ियां खड़ी हैं जो लोग आए हुए। और क्रिकेट एरिया है, दिस इज शायद अ फ्रेंडली क्रिकेट एरिया। तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है और ये पिच बनी हुई है, यहाँ आप क्रिकेट खेल सकते हैं। वाओ और ये मेरे निया गाड़ी में नैप ले रही और मेरी बहन बच्चों को सुला के राउंड लेने आई है मॉर्निंग वॉक। हेलो गाइस, ओ गाइस देखिए मेरे अप्पू का नाम भी शायद और इनका नाम भी शायद खान आपने दी। दांत लाइन को एंजॉय कर रहे हैं, अंदर चले गए लाइन के साथ खेल रहे हैं। हां ना बस ये रहा शेर, ओ माय गॉड इट्स वाइट लाइन। एक और है दानिल ही रहा। वाओ दानिल देखो तो सिम्बा, और ये तोते तहा भाई तोतों का कारोबार। छोड़ दे तू, आगे देख ले, आगे ना गिर जाना, बढ़ जाना कहीं जाना, खत्म हो गई। ओए होए ओए होए ओए, बोली ही नहीं मैं क्या साइज बेटा, साइज ये आराम से पेल लेगा हम पांचों छेटों को। अबे हाँ ना, अबे वही तो है यार, खूबसूरत यार, तू एक काम कर, ये यार इतना बड़ा बच्चा चल चल ताकि मुझे ही खाता बस। अबे फ्लैश नहीं मार यार, मेरी वीडियो आ नहीं रही, फ्लैश मार दिया। अरे अरिशा कैसा है, क्या बोल गया अबे ये वही तो क्या चीज है ये, अबे तो बहुत यार आ जाओ।
Hi guys, who subscribe, like, and share my sis channel. रेड हो गई पूरी यार, इधर नहीं कैमरा निकाल रहा तो पिक्चर अब्दुल भाई इधर आना। अरे ये प्यारे लग रहे हैं आप। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे सास ससुर को जो है वो सूट गिफ्ट किए हैं। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग वलीमा बर्थडे सेलिब्रेशन कवाली नाइट एंड गिफ्ट्स एंड ऑल। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ जो जो मेरे व्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नाश्ते का यार कीमा पराठा बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ही मज़े का था और ऑलमोस्ट सारा नाश्ता मज़े का था, बट कीमा पराठे के दही के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।